सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कतर की एक जेल में बंद भारतीय जल सेना के 8 अधिकारियों को रिहा कर दिया गया, जिन्हों में 7 भारत परत आए हैं। यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस फैसले का स्वागत करता है। जासूस दोषों का सामना कर रहे सन तो उन्होंने मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत की बेनती से कतर के अमीर वालों पहले ही उन्होंने सजा घटा दी गई थी, उम्र कैद में बदल दिया गया। हुण विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने रिहा कर दिया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी 3 दिन पहला हिंसा भड़काने के दोष बीते 24 घंटे 25 होर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की भाल जा रही है। नैनीताल के सीनियर पुलिस कप्तान प्रहलाद मीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दसिया कि इस घटना के संबंध में हुण तक 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी 3 दिन पहला हिंसा भड़काने के दोष बीते 24 घंटे 25 होर लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले के मास्टरमाइंड की भाल अजे जारी है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में लेकर किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पास इतने हरियाणा के शंभू बॉर्डर के उत्ते किसानों की आमद तो पहला भारी पुलिस बल से वड्डियां रोकां लाइया जा चुके हैं। उत्थे मांझे के कस्बा ब्यास दरिया नेड़े काफले के रूप में ट्रैक्टर ट्रालियां कतर हुंदियां नजर आ रही ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के जिला अमृतसर के वड्डे काफले दरिया ब्यास नेड़े कतर हो रहे हैं, जिथे कि किसानों वालों कतारा रूपी ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क किनारे लाइया जा रही हैं। आला किसान लीडर के आदेशों की उड़ीक की जा रही है। किसानों की दिल्ली वाल मार्च कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्त कदम चुके हैं। लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान रखते हुए प्रशासन ने चंडीगढ़ में अगले 60 दिनों लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह हुक्म जिला मैजिस्ट्रेट विनय प्रताप वालों जारी किए गए हैं। अजिहे च हुण 5 या इस तो बाद लोगों के इकट्ठे होने जुलूस कढ़न प्रदर्शन करन पैदल या ट्रैक्टर ट्राली और होर वाहनों नाल मार्च करन ते पाबंदी है। खास तौर पर चंडीगढ़ तो बाहर जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रालियों से भी पाबंदी होगी। हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच मार्च तो पहला अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल जींद हिसार फतेहाबाद के सिरसा जिले के अधिकार खेत्र में वॉयस कॉलों को छोड़ के मोबाइल नेटवर्कों से मुहैया करवाई जाती हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवावान SMS से सारिया डोंगल सेवावान आदि को मुअत्तल कर दिया है। हुक्म 11 फरवरी सवेरे 6 बजे तो 13 फरवरी रात 11:59 तक लागू रहेंगे। इतने सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा के 11 जिलों से धारा 144 लागू की गई है। कई थावों तो रस्ता भी मोड़ दिया गया, पर इस कारण राहगीरों भारी परेशानियों का सामना करना पै रहा। करोड़ों रुपयों की ड्रग तस्करी से संबंधित मामले की जांच तो बाद विशेष जांच टीम ने श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया मुड़ पुछगिछ लिए तलब किया। SIT ने उन्होंने 15 फरवरी को पुछगिछ लिए समन जारी किए हैं। उन्होंने सवेरे 11 बजे SIT सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। पटियाला रेंज के नवे DIG हरचरण सिंह भुल्लर की अगुवाई वाली SIT दूजी बार उन्होंने पुछगिछ करेगी। इस तो पहले जनवरी में भी उसने सवाल जवाब दिए गए सन। इस मामले लिए बनाई गई नवी SIT इस मामले की जांच बड़ी तेजी से कर रही है। अमरीका विखे टैक्सास के ह्यूस्टन टैक्सास चुगे ईसाई पादरी जॉयल ऑस्टिन द्वारा चलाए जा रहे मैगा चर्च में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए थे। हमलावर और देवी मौत हो गए, पुलिस ने जानकारी दी है। सिटी पुलिस के मुखी ट्रॉय फिनर ने कहा कि जख्मियों में एक 5 साल मुंडा भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर है, जबकि 51 साल व्यक्ति जिसन कमर च गोली लगी है की हालत स्थिर है। हमलावर और की उम्र लगभग 30 साल से, जो 5 साल के बच्चे चर्च में दाखिल हुई थी। गोलीबारी आगामी लोकसभा चोणों कारण पिछले कई दिनों तो अकाली दल के भाजपा विचाले गठजोड़ की खबरें सामने आ रही सन। इस दौरान मिली ताज़ा जानकारी मुताबिक पंजाब च अकाली दल ते भाजपा के गठजोड़ की गलबात असफल हो गई। इस तो पहला पंजाब च आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस नाल गठजोड़ किए बगैर इकलिया चोणा लड़न का फैसला किया। हुण तक मिली जानकारी मुताबिक अकाली दल वालों भाजपा अगे किसानी अंदोलन बंदी सिखा की रिहाई आदि मामले चुके गए सन, जिन्होंने लैके दोवां पार्टियों विचाले सहमति नहीं बनी ते गठजोड़ की गलबात बेसिटा रही। आंगनवाड़ी से नौकरी दवाने का चांसा देकर करीब 20 औरतों ने समूहिक जबरजना करने का मामला पाली थाने दर्ज किया गया। नगर परिषद सिरोही के चेयरमैन महेंद्र मेवाड़ा, साबका कमिश्नर महेंद्र चौधरी और इनके दोस्तों से समूहिक जबरजना अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेल करने ते वीडियो इंटरनेट मीडिया से वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मंगे जाने के दोष लगे ने। मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता अनुसार वह 2-3 महीने पहले होर औरतों सिरोही आई थी, जिथे उसने नगर परिषद चेयरमैन से साबका कमिश्नर मुलाकात की। उन्होंने सारिया औरतों को अपने घर रुकवाए थे, भोजन च नशीला पदार्थ मिला दिया, जिस सारिया बेहोश हो गई। इस तो बाद हैवानियत की गई। देश की चर्चित लेखिका से पद्मश्री सन्मान डॉक्टर उषा किरण खान का पटना के हस्पताल 76 साल की उम्र देहांत हो गया है। वह कई दिनों तो बीमार सन। बीड़ी कल प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातत्व विभाग के मुखी भी रहे। उन्होंने 2015 पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। हसीना मंजिल नावल उन्होंने काफी प्रसिद्धि मिली, जिसका उर्दू अंग्रेजी समेत कई भाषावों में अनुवाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले तहत हाल ही भर्ती की 1 लाख तो वध कर्मचारी नियुक्ति पत्र वंडे ने। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही आयोजित एक समागम दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में एकीकृत कर्मयोगी भवन कंपलैक्स के पहले पड़ा का नींह पत्थर रखा। इस कंपलैक्स का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी दी वख-वख शाखावां विचकार तालमेल ते सहयोग नूं उत्साहित करना। PM मोदी ने कहा कि अज हर नौजवान जानता है कि जेकर वह सख्त मेहनत करता है तो अपने लिए जगह बना सकता है।
भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली राज्यसभा चोणां लिए अपने उम्मीदवारों के नावों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश तो आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया। इस तो इलावा पार्टी ने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड से पश्चिमी बंगाल तो अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। भाजपा ने सुभाष बराला हरियाणा तो पार्टी उम्मीदवार ऐलान दिया, जबकि भाजपा के सूबा प्रधान महेंद्र भट्ट उत्तराखंड तो राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। खतरनाक गैंगस्टर वालों बठिंडा केंद्रीय जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट नाल हथोपाई की गई, जानों मारन की धमकी दी गई। दरअसल बठिंडा की केंद्रीय जेल में सहायक सुपरिटेंडेंट जसपाल सिंह नाल गैंगस्टर दीपक टीनू ने हथोपाई की जान तो मारन की धमकी दी है। बठिंडा पुलिस ने सहायक सुपरिटेंडेंट की शिकायत से दीपक कुमार सने चार लोगों खिलाफ वख-वख धाराओं तहत मामला दर्ज कर लिया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस दौरान 100 तो वध भारतीय स्कूली बच्चे इतने पत्थरों को पेंट करने रुझे हुए हैं। दरअसल ये छोटे खजाने मंदिर के उद्घाटन से आने वाले सारे मेहमानों को तोहफे वजो दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो अबू धाबी में पहला रवायती हिंदू पत्थर मंदिर है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।